हाय गाइस, मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से, और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 12.8 सीखेंगे, जिसमें हम ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशंस के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था इस कोर्स में कि जो कंटिन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम्स होते हैं उन्हें हम आरएलसी सर्किट्स यूज करके इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी तरीके से जो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स होते हैं उन्हें हम डिजिटल लॉजिक के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं, और उन्हें हम जो उनकी सर्किटरी है उसे हम ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी हम इस मॉड्यूल में ब्लॉक डायग्राम्स का एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और बहुत ही सिंपल एग्जांपल देखेंगे, बट आप अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की कोई भी किताब को रेफर कर सकते हैं। तो आज है हमारा मॉड्यूल 12.8, विच इज ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो सपोज अब हम कोई अगर एलटीआई सिस्टम लेते हैं जिसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो है एच ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/1 - z inverse/4। तो इसका जो करिस्पॉन्डिंग जो डिफरेंस इक्वेशन होगा वो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एलटीआई सिस्टम्स होते हैं उनमें एक बहुत खास प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो आउटपुट होता है वाई ऑफ एन उसे हम एक्स ऑफ एन कन्वॉल्व विथ एच ऑफ एन लिख सकते हैं, और इसका हम अगर जेड ट्रांसफॉर्म लें तो हमें मिलेगा वाई ऑफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल एक्स ऑफ जेड टाइम्स कैपिटल एच ऑफ जेड। तो यहां पे हम अगर लिखें कैपिटल वाई ऑफ जेड बाई कैपिटल एक्स ऑफ जेड तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा वाई ऑफ जेड माइनस जेड इनवर्स बाई फोर वाई ऑफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल एक्स ऑफ जेड। तो अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का हम इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं, और हम अगर ऐसा करेंगे तो हमें मिलेगा वाई ऑफ जेड का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा सिंपली वाई ऑफ एन, और वाई ऑफ जेड टाइम्स जेड इनवर्स इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा वाई ऑफ n-1, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन बाई अ पावर ऑफ जेड करेस्पॉन्ड्स टू अ शिफ्ट इन द टाइम डोमेन। तो ये होगा -1/4 वाई ऑफ n-1 इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन। हम इसे लिख सकते हैं वाई ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन प्लस 1/4 वाई ऑफ n-1। हमने इस टर्म को राइट साइड में लिख दिया क्योंकि फाइनली हमें आउटपुट चाहिए, और आउटपुट है हमारा वाई ऑफ एन। तो वाई ऑफ एन के अलावा जितने भी टर्म्स हैं हमारे एक्सप्रेशन में हम उन सबको एक तरफ ले जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है कि इस डिफरेंस इक्वेशन को, अगेन याद रखिए कि ये एक डिफरेंस इक्वेशन है, जो हमारा कंटिन्यूअस टाइम का जो केस होता है वहां पे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, क्योंकि वहां पे हम डिफरेंशिएशन कर पाते हैं, पर डिस्क्रीट टाइम डोमेन में क्योंकि हमारा जो सिग्नल है वो डिसकंटिन्यूअस टाइम में डिफाइंड है उस वजह से यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस इक्वेशन के माध्यम से हमारे इक्वेशंस को और सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसे अगर हमें एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारा जो इनपुट है एक्स ऑफ एन उसे लेंगे। अब यहां पे एक्स ऑफ एन में हमने 1/4 टाइम्स वाई ऑफ n-1 जोड़ दिया है, तो जो एडिशन का जो प्रोसेस है उसे हम एक एडर के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम एक सर्कल के बीच में एक एडिशन बनाते हैं, और यहां पे क्या आएगा 1/4 वाई ऑफ n-1। तो हम अगर इन दो टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनली आउटपुट आना चाहिए वाई ऑफ एन।
अब सवाल ये है कि ये जो 1 बाई 4 y ऑफ n माइनस 1 है, ये हमारे पास आएगा कहाँ से? क्योंकि इनपुट है वो तो x है, उसमें तो y है नहीं, तो ऑब्वियसली ये जो y ऑफ n माइनस 1 टर्म है वो हमारा y ऑफ n से आएगा। कैसे आएगा? सबसे पहले हमें y ऑफ n को 1 टाइम यूनिट से हमें डिले करना पड़ेगा और हमें उसे 1 बाई 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि हम y ऑफ n को लेंगे, उसे एक डिले के थ्रू हम इनपुट करेंगे और फिर हमें मिलेगा y ऑफ n माइनस 1। फिर इस y ऑफ n माइनस 1 को लेके हम 1 बाई 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें 1 बाई 4 y ऑफ n माइनस 1 मिल जाएगा। तो ये बन गया हमारा ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है उससे हमने एक लूप लेके फीडबैक दिया है इनपुट को, तो इसे हम एक फीडबैक सर्किट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम आउटपुट से फीडबैक लेके इनपुट में एंटर कर रहे हैं। तो ये है एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन का। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो सपोज हम इक्वेशन लेते हैं एच ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 2 जेड इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 4 जेड इनवर्स। तो इसे हम अगेन अब कन्वर्ट करेंगे हमारे डिफरेंस इक्वेशन में। तो अगेन इसे हम लिखेंगे इक्वल टू y ऑफ z बाय x ऑफ z, और फिर से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा y ऑफ z माइनस 1 बाय 4 z इनवर्स y ऑफ z विच इज इक्वल टू x ऑफ z माइनस 2 z इनवर्स कैपिटल x ऑफ z। तो इसे हम अगर अगेन फिर अगर इनवर्स z ट्रांसफॉर्म अगर हम लेते हैं तो हमें मिलेगा y ऑफ n माइनस 1 बाई 4 y ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस 2 x ऑफ n माइनस 1। अगेन ये डिले हो रहा है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन बाई अ पावर ऑफ जेड इन द जेड डोमेन इज इक्विवेलेंट टू अ डिले और एडवांस और अ टाइम शिफ्ट इन द टाइम डोमेन। तो इसे हमें अभी रिप्रेजेंट करना है ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से। तो अगेन हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा टर्म है इसे हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो हमारे पास फाइनली बनेगा वाई ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन माइनस 2x ऑफ n माइनस 1 प्लस 1 बाई 4 y ऑफ n माइनस 1। तो आइए इसे अभी हम एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगेन सबसे पहले आएगा हमारा x ऑफ n। तो x ऑफ n में हमें अब टर्म बाय टर्म जाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x ऑफ n में हमें इस टर्म को हमें सब्सट्रैक्ट करना है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें इस टर्म को हमें उसमें ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस x ऑफ n में से एक यूनिट निकालेंगे और पहले उसे हम डिले के थ्रू भेजेंगे ताकि हमारे पास मिलेगा x ऑफ n माइनस 1, और फिर उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद में हमें मिलेगा माइनस 2 x ऑफ n माइनस 1, और उसे हम फिर यहां पे एक एडर के माध्यम से ऐड कर देंगे। तो हमारा अब ये जो टर्म है इसका काम हमने कर लिया है। अब हमें इस टर्म को भी टेक केयर करना है, तो इसे हम वैसे ही टेक केयर करेंगे जैसे हमने पिछले इक्वेशन में किया था। तो यहां से हमारे पास फिर आता है y ऑफ n, और y ऑफ n को हम फिर एक डिले के थ्रू भेजेंगे
तो डिले से हमें यहाँ मिलेगा वाई ऑफ एन माइनस वन, और फिर उसको हमें 1/4 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 1/4 टाइम्स वाई ऑफ एन माइनस वन, और उसे फिर ले जाके यहाँ पे हमें ऐड करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम थोड़ी सी जगह बनाएंगे और फिर यहाँ पे एक एडर को डाल देंगे ताकि हमारा ये जो सिग्नल है इसका जो फीडबैक है वो डिले होके 1/4 से मल्टीप्लाई होके इसमें ऐड होके हमें वाई ऑफ एन मिल जाए। तो ये है हमारा एक ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस पर्टिकुलर डिफरेंस इक्वेशन और फॉर दिस ट्रांसफर फंक्शन और सिस्टम फंक्शन। अब यहाँ पे जो हमारा सर्किट है यहाँ पे दो डिले एलिमेंट्स यूज हुए हैं, क्या हम इसे कम कर सकते हैं? क्या हम एक ही डिले एलिमेंट को यूज करके इस सर्किट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो ये जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है या जो हमारा ये जो डिजिटल सर्किट है इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। पहला तो ये और फिर ये, तो ये दो जो सिस्टम्स हैं ये दोनों कैस्केड में हैं, और हम जानते हैं जेड ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज से कि अगर हमारा कोई सिस्टम अगर है वाई ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स ऑफ जेड इंटू एच ऑफ जेड, और एच ऑफ जेड अगर है एच वन ऑफ जेड इंटू एच टू ऑफ जेड, तो हम इन्हें इंटरचेंज भी कर सकते हैं। हम इसे एच टू ऑफ जेड टाइम्स एच वन ऑफ जेड भी लिख सकते हैं। यानी कि हमने इस ब्लॉक डायग्राम को पहले लगाया हुआ है और इसे बाद में लगाया हुआ है, हम अगर इन्हें इंटरचेंज भी कर देंगे तो हमारे फाइनल रिजल्ट में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हम अगर इन्हें इंटरचेंज करते हैं तो ये इस तरह से बनेगा। अभी हम इसे रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसी की हमें अभी जरूरत नहीं है। तो हमारा ब्लॉक डायग्राम क्या बनेगा, इसे हम अगर इंटरचेंज करते हैं, जो हमारा इनपुट है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा एक्स ऑफ एन, पर हमारा अब हमारा ये वाला ब्लॉक डायग्राम अब पहले आ जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे प्लस डी इंटू 1/4 ये दूसरा ब्लॉक डायग्राम हमने अब पहले लिख दिया है, और जो हमारा पहले वाला ब्लॉक डायग्राम था उसे अब हम यहां पे लगा देंगे। तो वो क्या बन जाएगा, डी माइनस टू, फिर यहां से निकल के वो एक एडर में जाएगा और हमें फिर वाई ऑफ एन मिल जाएगा। तो अभी हमने पहले वाले ब्लॉक डायग्राम के पार्ट को अभी हमने यहां पे लगा दिया है। अगेन हम ऐसा इंटरचेंज कर पा रहे हैं क्योंकि हमें LTI सिस्टम के जेड ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी से पता है कि हम एच वन ऑफ जेड इंटू एच टू ऑफ जेड लिखते हैं, इसकी जगह पे हम अगर एच टू इंटू एच वन लिखते हैं तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये जो दो सिस्टम्स हैं ये कैस्केड में आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये कॉमन पॉइंट है ये एक्चुअली एक ही पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं है। तो दोनों में से हम ये एक ब्रांच लेके हम उसे एक डिले के थ्रू पास कर रहे हैं। तो क्योंकि हम एक ही पॉइंट से डिले में हम पास कर रहे हैं तो हमें दो डिले एलिमेंट्स की जरूरत नहीं है, और हम इसे हम कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि हम इसे हम रब कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम इसे जोड़ दें और एक सिंगल डिले एलिमेंट लेके हम एक ब्रांच को यहाँ भेज दें और
और दूसरी ब्रांच को हम यहाँ भेज दें। तो पहले जो हमारा सिस्टम था जिसमें हमने दो दो डिले एलिमेंट्स यूज किए थे, अभी हमने उनको इंटरचेंज करके उन डिले एलिमेंट्स को मिला दिया है और अब हम एक सिंगल डिले एलिमेंट के द्वारा हम इस LTI सिस्टम को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो ये था एक बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन टू ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। इसमें और काफ़ी सारे सिंप्लीफिकेशंस और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट टाइम की कमी के कारण हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स में नहीं जा पा रहे हैं। आप अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप किसी भी सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की बुक को रेफर कर सकते हैं। थैंक यू।